कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लॉकडाउन है। शहर गांव हर जगह पर लोग सतर्क हैं। गांव में बाहरी शहरों या फिर विदेश से आए हुए लोगों को लेकर लोग ज्यादा सतर्कता दिखा रहे हैं। इसी बीच बिहार से एक मामला सामने आया है जहां एक ही परिवार के 21 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब बिहार का सिवान शहर राज्य के पहले हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित किया गया है। 100 से ज्यादा लोग पंजवार गाँव की ग्राम पंचायत में क्वारंटीन किए गए हैं। 3 अप्रैल को सिवान के पंजवार गांव में कोरोना का पहला पॉजिटिव केस मिला, जिसके बाद पॉजिटिव केस मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। फिलहाल 21 नए मामले सिर्फ इसी गांव से सामने आए हैं। दरअसल एक परिवार में एक युवक कुछ दिन पहले ही ओमान से भारत लौटा था। युवक की उम्र 32 साल है, ओमान से भारत लौटा। हाथ पर होम क्वारंटीन की मोहर लगी थी। ये मोहर हवाई अड्डे पर लगाई जा रही थी ऐसे लोगों के हाथों पर जो किसी ऐसे देश से वापस आए हों जहां पर कोरोना की महामारी फैल चुकी है। युवक को घर जाकर 2 हफ्ते तक आइसोलेट होने के लिए कहा गया, लेकिन उसने उसका ठीक उल्टा किया। युवक ने गांव में सबसे मिलना जुलना शुरू किया। बाजार जाने से लेकर क्रिकेट खेलने तक का हर काम करने लगा। किसी तरह की प्रॉपर टेस्टिंग नहीं की गई। रिश्तेदारों के साथ मेल मिलाप चलता रहा। गांव में लॉकडाउन जारी था, लेकिन लोग आपस में मिलजुल रहे थे जब तक कि कोई बाहर से ना आया हो। इसके बाद प्रशासन ने एक लिस्ट जारी की जिसमें उन लोगों के नाम थे जो हालिया विदेश से लौटे हैं, और इस लिस्ट में पंजवार गांव के इस शख्स का भी नाम था। प्रशासन के लोग आकर इसे टेस्ट करने के लिए लेकर गए। टेस्ट हुआ और युवक घर लौट आया। घर आकर पहले की तरह बाजार जाना और क्रिकेट खेलना चालू रहा, जिसके बाद 3 अप्रैल को इस युवक की रिपोर्ट सामने आई जिसमें ये कोरोना पॉजिटिव निकला। तब गांव में लोग डर गए। युवक के घर में कुल 35 लोग रहते हैं। इसके बाद कोरोना पॉजिटिव निकली इस शख्स की पत्नी और माँ। इनका टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद घर वालों को प्रशासन ने क्वारंटीन किया। वहीं टेस्ट में पता चला कि शख्स का भाई और उसका परिवार भी कोरोना पॉजिटिव है, जिसमें एक 10 साल की बच्ची भी शामिल है। फिलहाल अब तक घर के कुल 21 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 2 वो लोग भी हैं जो इस युवक के साथ क्रिकेट खेलते थे। अब प्रशासन हरकत में आया है। 3 किलोमीटर तक गांव को पूरी तरह से सील कर दिया है। गांव में कर्फ्यू लगा दिया गया है और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने सारण के DIG और कमिश्नर को सिवान में कैंप करने का निर्देश दिया है। साथ ही लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का आदेश भी दिया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि लोग कब तक लापरवाही करते रहेंगे और खुद के साथ दूसरों की जान भी जोखिम में डालते रहेंगे। लोगों को समझना होगा कि कोरोना कोई मजाक नहीं जिसे इतने हल्के में लिया जाए। न्यूज़ डेस्क।